तो दोस्तों, आस्क सिमरजीत की सीरीज़ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरी और मेरी पूरी टीम की ये कमिटमेंट है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर किए जाएं। वेयर एवर पॉसिबल वी क्लब द क्वेश्चंस टुगेदर एंड कीप सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस हमारी नई थॉट प्रोसेसेस ट्रिगर करते हैं एंड आई लव टू डू दिस। एंड मोर ओवर, मैं इस वीडियो के द्वारा अपनी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स टू होम इतनी हाई टर्न ओवर ऑफ वीडियोज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना क्विक टर्न अराउंड होता है इन सब वीडियोज को। आप व्हाट्सएप पर बना के भेजते हैं, वो हम तक पहुँचते हैं, वो स्क्रूटनाइज होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं, एडिट होते हैं और पब्लिश होते हैं। सो अ बिग थैंक यू टू द वंडरफुल team that supports me, and let's listen to the next question today. Sat Sri Akal sir, sir mera naam Mohammad Taukeer hai aur main Lucknow se hu, and sir main ek student hu, graduation kar raha hu, and sir main sabse pehle jo baat kehna chahunga wo ye hai ki sir aapki awaaz jo hai wo bahut zyada effective hai sir, and sir the best thing that I learned from you is the attitude of gratitude. क्योंकि सर मैं 80% फिजिकली चैलेंज हूँ, तो मेरे अंदर शुक्रगुजारी नहीं थी, थोड़ा शुक्रगुजारी की कमी थी जो मैंने आपसे सीखी सर। एंड सर माय क्वेश्चन इज सर, मैं जब कोई चीज़ किसी को बताना चाहता हूँ, आई मीन जब मैं किसी को कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं समझाता हूँ उसे और वो समझता भी है, पर मुझे ये लगता रहता है कि मैं अपना 100% उसे नहीं दे पाया। मुझे ये लगता है कि जितना मुझे समझ में आती है बात, उतना मैं उसे नहीं समझा पाया सर। सर इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो रहता है, अंदर से एक फीलिंग रहती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ समझाने में, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, एक जो आप ये कह लीजिए कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। एंड सर इफ आई सम अप इन माय, और इनको मैं इधर ही पॉज करूँगा इससे पहले मैं आगे चलूँ, और इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। मैंने बड़े डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है एक और वीडियो में, जिसका टाइटल है चेंज योर बिलीफ्स चेंज योर लाइफ, जो एक लाइव ऑडियंस के साथ, यंगस्टर्स की लाइव ऑडियंस के साथ हमने शूट किया था। बट डू यू सी दैट स्टेटमेंट, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। वॉट अ पावरफुल सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। कितनी शक्ति, कितने विश्वास, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये खुद कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। आइए इनका पूरा सवाल सुनते हैं, देन वो कम, बट इम्पोर्टेंट था कि इस चीज़ को मैं यहीं पॉइंट आउट करता हूँ। इन वन सेंटेंस, हाउ डू आई इम्प्रूव माय टीचिंग स्किल? सबसे पहले मोहम्मद, आप दो तीन चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँगा, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आपने उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है। नथिंग मोर वंडरफुल देन दैट, क्योंकि काफ़ी बार इंसान उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास हैं उनका हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कुछ और मिसिंग है। अभी मैं कंप्लीट नहीं हूँ, अभी मैं अधूरा हूँ, मेरे रिसोर्सेज अधूरे हैं, मेरी नॉलेज अधूरी है, इसलिए जाहिर है मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। तो परफॉर्मेंस खुद ब खुद बिलो पार होती है। जब हम शुक्रगुजारी महसूस करते हैं, ना सिर्फ सब गिफ्ट्स की, ना सिर्फ वो चीज़ें मटीरियल वर्ल्ड में जो हमें दुनियावी पदार्थों से कि जो हमें मिली हैं, बट ऑल्सो हमारी कैपेबिलिटीज़ की ऑल्सो शुक्रगुजारी हम महसूस करते हैं अपने अंदर छुपी हुए हुनर की, तो फिर वो और उभर कर सामने आता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सो आई एम ग्लैड यू स्टार्टेड यूजिंग इट। कपल ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर यू बिफोर आई गो फर्दर। एक वीडियो सीरीज़ हमने प्रोड्यूस की थी, बड़े ही इंटरेस्टिंग जेंटलमैन हैं विवेक जोशी, जो भी अपने आप को फिज़िकली चैलेंज नहीं मानते, वो मानते हैं उनके ऊपर गिफ्ट है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो दूसरों को साबित करके दिखाएं कि फिज़िकल लिमिटेशंस होने के बावजूद वो इंसान क्या क्या अचीव कर सकता है। तो वो पूरी इंटरव्यू सीरीज़ एक आप ज़रूर देखिएगा, उम्मीद सीज़न 2 उसका नाम है। मुझे आशा है, मुझे यकीन है कि आप और ऊर्जा से आप भरेंगे और अपने मिशन में, टीचिंग के इस मिशन में और कामयाब होंगे। दूसरा वीडियो जो जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की है, वो है चेंज योर बिलीव्स एंड चेंज योर लाइफ। वी टॉक अबाउट द बिलीफ सिस्टम एंड स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। इंसान अपने खुद के रास्ते में कैसे बाधाएं बनाता है अपनी सोच के द्वारा, उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। और किस चीज़ की दिशा को बदलना है? अपनी सोच की दिशा को बदलना है। जैसे आप सकारात्मक सोच की तरफ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे, संभावनाओं की तरफ जाएंगे, ये भी हो सकता है और ये भी अचीव हो सकता है। यू विल सी सो मेनी न्यू पॉसिबिलिटीज़ विल इमर्ज। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ आपकी टीचिंग स्किल्स के ऊपर।
जिस टीचर के मन में ये सवाल आए कि अभी मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, अभी मैं पूरा नहीं दे पा रहा हूँ अपना, वो वैसे ही एक बेहतरीन टीचर है, वो वैसे ही खुद ही एक अलग कैटेगरी में है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर अभी जो चिंगारी जिंदा है, इम्प्रूवमेंट की चिंगारी जिंदा है। जिस पर्सन ने ये कहना शुरू कर दिया यार मैं तो परफेक्ट टीचर हूँ, मैं नंबर वन टीचर हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं, उसकी इम्प्रूवमेंट रुक गई और उसकी डिके स्टार्ट हो जाएगी, राइट, उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। चूंकि आप ये महसूस करते हैं कि अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मेरी नज़र में आज भी आप एक बेहतरीन टीचर हैं। आइए चलिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स आपसे शेयर करता हूँ, हाउ यू कैन गेट बेटर। नंबर वन, काउंटर दिस बिलीफ कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। हमने बात तो कहा बिलीफ चेंज कर लें, बिलीफ कैसे चेंज करें, खुद को एविडेंस दें इस चीज़ का कि आप अच्छे टीचर क्यों हैं, एविडेंस ढूंढ के लाएं, राइट, या वो चीज़ मैंने उस दिन बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की, या वो चीज़ उन चार लोगों को बड़े अच्छे से समझ आई, यार मेरा वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, यार मेरी वो मैंने जो चीज़ समझाई वो। खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करें, ये जो बिलीफ जो आपके अंदर कह रहा है कि आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं, ये भी आपकी एक अंदर की आवाज़ है, और दूसरी भी अंदर की आवाज़ पैदा करें जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करे और बोले नहीं तू अच्छा टीचर, तू अच्छा कर रहा है और तू सीख रहा है। तू ये मत बोल कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, खुद को बताइए तू ये बोल मैं दिन ब दिन और इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं दिन ब दिन और एक बेहतर टीचर बन रहा हूँ। पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट मैं अपने ये लेबल नहीं लेके ढूंढूंगा, ये गले में ये यहाँ पे फट्टी लगा के नहीं घूमूंगा हम, क्या चीज़ कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, ये एक लिमिटिंग स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप लग गई इसके आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो पहले इस बिलीफ को चेंज करना होगा, बाकी सब चीज़ें फेल हो जाएंगी अगर ये बिलीफ ना चेंज हुआ, नंबर वन। दूसरी चीज़ जो एक प्रैक्टिकल नज़रिए से, मैं अभी खुद को एक टीचर, कोच, स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, कुछ भी कह लीजिए, मानता हूँ, एग्जांपल्स, अपनी टीचिंग इम्प्रूव करनी, ऐसे एग्जांपल्स ढूंढें जिनसे लोग कोरिलेट कर पाएँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे एग्जांपल्स, राइट, जिससे चाहे वो साइंस है, आपका सब्जेक्ट मुझे पता नहीं है, पर मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, हम सब लोग उन टीचर्स को याद रखते हैं जो छोटे एग्जांपल्स करके हमें समझाते थे, और वो चीज़ आज भी हमारे दिमाग में बैठ जाती है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करना इंसान के लिए मुश्किल होता है। नंबर तीन, कहानियाँ, स्टोरीज, मेटाफोर्स, कैन यू यूज़ स्टोरीज टू कन्वे योर मैसेज, हिस्टोरिकल स्टोरीज, राइट, मिथिकल स्टोरीज, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोरी के द्वारा इंसान के मन में वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। अब हर चीज़ तो स्टोरी से क्लियर हो नहीं सकती, पर जहाँ भी संभव है, कई बार यार मुझे याद है कि हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे तो स्टोरीज अच्छी सुनाते थे, क्लास के बाद 5 मिनट का समय लेके ही वुड जस्ट शेयर अ स्टोरी, और हम मैथ्स की क्लास जो कई बार कई स्टूडेंट्स को काफ़ी चैलेंजिंग और बोरिंग लगती थी इसलिए अटेंड करने जाते थे कि सर की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती थी। सो दिस अगेन इज एंगेजिंग योर स्टूडेंट्स, राइट, अपने टारगेट ऑडियंस को एंगेज कैसे करना है। नंबर फोर, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, जहाँ संभव हो क्या आप एब्स्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ को जो आप पढ़ा रहे हैं एक अध्यापक के तौर पे, क्या उसका कोई प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के हाथों से करवा सकते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का टीचर हूँ तो मैंने कॉन्सेप्ट्स तो समझा दिए वीडियो के द्वारा, पर क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट दे सकता हूँ, यार मुझे अपनी स्पीच का व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजो, या कुछ ऐसा करो, इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिखो, कुछ ट्विटर पर लिखो, तो ये अब हो गया उस चीज़ का एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट। मुझे सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी थी, राइट, आई हैव एक्चुअली ट्रांसफर्ड अ स्किल बाय मेकिंग देम डू इट। जब आप अपने स्टूडेंट्स से कुछ करवाएंगे प्रैक्टिकली तो फिर वो बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट उनके माइंड में। नंबर पांच, ऑडियंस से फीडबैक मांगते रहें, अपने स्टूडेंट्स से पूछें खड़ा करके, हाँ बेटा अब तक तुम्हें क्या समझ लगा है, और अब तक अगर मैंने 10 चीज़ें समझाई हैं तो एक चीज़ कौन सी समझ लगी है, वो क्लास पर आओ, ब्लैक बोर्ड पर आओ, दूसरों को समझाओ। द बेस्ट वे टू रिमेंबर समथिंग इज वेन यू स्टार्ट टीचिंग इट टू समवन एल्स, और यही टीचर बनने का मौका बीच बीच में आप अपने स्टूडेंट्स को देते जाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी अटेंशन बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी, राइट, सो उनसे फीडबैक भी आपको मिलेगा कि जो आपने समझाया है क्या वही चीज़ उनको समझ आई है कि नहीं। नंबर छः पे, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, आज यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से सीख सकते हैं, कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड, उनकी टेक्निक्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप कैसा है, ये सब चीज़ों के हजारों एग्जाम्पल्स यूट्यूब पर ही उपलब्ध हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी प्लेलिस्ट बनाएं और इन लोगों से सीखें। नंबर सेवन, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं इसको बरकरार रखिए,
कीप द स्पार्क अलाइव। आपके अंदर एक चिंगारी है, एक प्रोफेशनल डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ। आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बस इस चीज़ से जुदा मत होना, इसको ज़िंदा रखना, इस चिंगारी को ज़िंदा रखना, ये काफ़ी आगे लेकर जाएगी आपको। जिस दिन इंसान के अंदर वो चिंगारी जो बुझ जाए, वो जो आग जो बुझ जाए कि मुझे कुछ करना है, मुझे और डिवेलप करना है, मुझे और इम्प्रूव करना है, राइट, तो उस दिन एक जीवित इंसान में और मुर्दा लाश में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। मेरे दोस्त मोहम्मद तौकीर, मेरी ये दुआ है ऊपर वाले से, आप खूब तरक्की करें और देश के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। हम सबको ज़रूरत है अच्छे टीचर्स की, अच्छे अध्यापकों की। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। यू टेक केयर। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय।